वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की अगली वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का वर्क कैसे करता है। यह आपका ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट। इसमें जब हम लोग इनपुट करते हैं, इनपुट देते हैं तो बेस को करंट मिलती है, बेस करंट फ्लो होती है जिसकी वजह से हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से एमिटर करंट और कलेक्टर करंट फ्लो होने लगती है। इसकी वजह से कलेक्टर में आईसी फ्लो होगी और एमिटर में आई, क्योंकि कलेक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा इसीलिए वहां पर हमको हाई आउटपुट मिलेगा। तो ये एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि इसमें हमने लो इनपुट दे करके वीक सिग्नल दे करके एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑब्टेन किया आउटपुट पर। तो ये देखिए, ये आपका इनपुट सिग्नल और ये है आपका एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। अब बात करते हैं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की। तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कितने टाइप का होता है। दो टाइप का होता है, एक सिंगल स्टेज एक मल्टी स्टेज। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की। तो ये है आपका सर्किट डायग्राम सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का। इसमें R1 और R2 ये बायसिंग की गई है, रेजिस्टेंस बायसिंग, और ये VCC बायस बैटरी है और यहाँ से इनपुट देंगे। RE रेजिस्टेंस है एमिटर का और ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है 5 किलो ओम। आउटपुट हमको यहाँ पे मिलेगा। जैसे ही हमने इसको इनपुट दिया तो बेस में करंट फ्लो हुई जिसकी वजह से एमिटर और कलेक्टर में करंट फ्लो होगी और हमको आउटपुट पर एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा। इसको सिंगल स्टेज क्यों कहा गया, क्योंकि इसके आउटपुट को जो हमको मिल रहा है उसको हम लोग फर्दर एम्पलीफाई नहीं करेंगे, मीन्स यहीं से हम लोग आउटपुट लेकर इसको छोड़ देंगे। अगर इसको इसके आगे भी एम्पलीफाई करते, सेकेंड स्टेज में फिर से ट्रांजिस्टर लगा के करते इसको, तो इसको कहते मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसमें ये एक स्टेज है ट्रांजिस्टर की। इसी सर्किट का एक और कॉपी अगर यहाँ पे हम जोड़ देते किसी मीडियम के द्वारा तो उसको हम लोग मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कहते। चलिए अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक है फेज रिवर्सल। चलिए देखते हैं फेज रिवर्सल क्या होता है। A phase difference of 180 degree between input and output signal in common emitter amplifier is called as phase reversal. मतलब input और output signal में 180 degree का phase difference जो कि common emitter में होता है उसको कहते हैं phase reversal. ये क्यों होता है, क्योंकि transistor gives 180 degree phase difference. Transistor जो है वो input signal को 180 degree phase shift provide करती है जिसकी वजह से वो reverse में हमको मिलता है output. ये है आपका इसका डायग्राम फेज रिवर्सल का। इसमें ये देखिए, ये आपका R1 R2 ये रेजिस्टेंस बायसिंग की गई है, ये VCC ये आपका बायस बैटरी है, ये RC कलेक्टर का रेजिस्टेंस है और CC ये कपलिंग कैपेसिटर है और ये RE एमिटर रेजिस्टेंस, C एमिटर का कैपेसिटेंस। तो इसमें जब इनपुट हम लोग देते हैं इनपुट सप्लाई तो बेस करंट फ्लो होगी जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर ऑन होगा और इसमें ट्रांजिस्टर जो है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा। ये आपको याद रखना है कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है ट्रांजिस्टर। कौन प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांजिस्टर 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा ट्रांजिस्टर, जिसकी वजह से जो हमारा इनपुट सिग्नल हमको इस तरह दिख रहा था उसका एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, मीन्स कुछ इस तरह हमको आउटपुट पे मिलेगा एम्पलीफाइड आउटपुट रिवर्स डायरेक्शन में। इसीलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये फेज रिवर्सल हो रहा है, मीन्स जो हमको सीधा इनपुट मिल रहा था उसको हमको रिवर्स आउटपुट मिल रहा है, इसीलिए इसको फेज रिवर्सल कहते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपने इसको पूरा देखा है तो लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। और ये जो दो आइकन आपको दिख रहे नीचे, ये लिंक ये इलेक्ट्रॉनिक्स के MCQ और इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्योरी के हैं, तो इसमें आप क्लिक करें और वीडियोस देखें क्योंकि वो काफी हेल्पफुल होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।